हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कल आज कल। आज हम चॉपस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। चॉपस्टिक्स आया है नेटफ्लिक्स में, जिसकी कास्ट है अभय देओल और मिथिला पलकर। ये पूरी जो उसका प्लॉट है वो है, एक गाड़ी चोरी हो जाती है, जिस दिन मैंने उसको बाय करी है उस दिन मेरी गाड़ी चोरी हो जाती है। तो इस पूरे वेब सीरीज़ में मिथिला जो है वो एक इनोसेंट है, इंट्रोवर्ट दिखाया है उनको, और वो क्या करती हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक लाइन होती है कि कॉन्फिडेंस इंक्रीजिंग कोर्स करती रहती हैं। गाड़ी में जब भी बैठती हैं एक अपना एक कैसेट लगा लेती हैं, जिससे कि उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ लाइफ गिव मी शिट आई विल टर्न देम इनटू फर्टिलाइजर, ये उनका एक इंसिडेंट है। तो क्या होता है कि वो एक गाड़ी बाय करती हैं एक दिन में, और सेम डे जो वो मंदिर ले जाती हैं उनको, और वहीं से वो चोरी हो जाती है। जो बंदा उनको चोरी करता है वो एक शौचालय की पर्ची दे के गाड़ी साफ़ कर लेता है किसी वहीं से। तो वो पुलिस स्टेशन जाती है कंप्लेन करने, तो वहाँ पे उसको अभय देओल का नंबर मिलता है। अभय देओल जो कि आर्टिस्ट के नाम से हैं, पूरे नाम उसका आर्टिस्ट ही है, बड़े कमाल के बंदे हैं। और उसमें विजय राज है, विजय राज इज़ अ विलन, जिसके पास वो गाड़ी जाती है बिकने को। और इसमें एक बिनाफ्शा भी है, छोटा कैमियो है उनका। और कहने का मतलब है कि इसमें जो मिथिला है वो चाइनीज़ बोलती हैं, वो जो उनकी कंपनी होती है वो चाइनीज़ लोकेशन को रिप्रेजेंट करती हैं और वो चाइनीज़ बोलती हैं, और वो दिखाती हैं उनको अच्छी बात कर, अच्छा काम करती हैं। प्लस इसके बाद इसमें एक जो विजय राज का एक बकरा बोल सकते हो, बकरी होती है, उसका नाम है बाहुबली। बाहुबली को वो फाइट कुक खिलाता है, कुक पिलाता है, ताकि वो फाइट कर सके। कुछ 25 लाख रुपए का वो बकरा है। तो कहने का मतलब ये है कि उस बकरे को वो गाड़ी पसंद आ जाती है, जिसकी वजह से उसको वो कबाड़ा नहीं करता विजय राज, वरना वो उसको एक एक पूजा निकाल के बेच देता है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक छोटे मियाँ भी हैं जो टी वी एफ में आता है। छोटे मियाँ का नाम है अरुण कुशवाहा, छोटे हाइट के हैं वो इसमें है, जो भी अच्छा खासा रोल प्ले किया है। अभय देओल का दोस्त है, अभय देओल को वही टिप देते हैं कि ये गाड़ी विजय राज के पास जा सकती है, क्योंकि वो उस एरिया का बॉर्डर डॉन था। तो अल्टीमेटली स्टोरी घूमती है कि विजय राज मना कर देता कि मैं गाड़ी नहीं दूंगा, तो मिथिला और अभय देओल किसी एनी हाउ वो भाई बाहुबली चोरी कर लेते हैं, उसके घर जाते हैं, चोरी कर लेते हैं, क्योंकि वो फाइट के लिए लड़ रहा हो, जब उसका बकरा होता है वो फाइट के लिए तैयार हो रहा होता है, तो वो उसको ऐसा मेकअप के लिए एक लड़की बुलाते हैं जो मिथिला बन के जाती है, वहाँ से वो उसको चुरा लेती है। सेकेंडली, जब उसको पता चलता है विजय राज को कि विजय राज छोटे मियाँ को बहुत मारता है, वो बताता है कि मिथिला और अभय देओल से पीछे हैं, उसे चुराया होगा। तो ट्विस्ट है कहानी की ये है कि मिथिला बकरे को लेके विजय राज के पास पहुंच जाती है कि भाई मैं किसी अपने को जब कोई दूर होता है तो बहुत पेन होता है, तो शी कैन फेल दैट। तो वो लेके पहुँच जाती है और बकरे को, बाहुबली को, उसके हाथ में दे देती है। इन रिटर्न विजय राज जो है वो पूरा का पूरा जो बकरा है, उकार है उसकी, उस बकरे की उसमें खुशी में उसको वापस कर देता है। तो ये फिल्म ज़्यादा मतलब कुछ नहीं है इसमें, और सिंपल है, सिंपल लिखा गया है। एक्टिंग विजय राज की अच्छी है, अभय देओल की एक्टिंग अच्छी है, और मिथिला इज टोटली इंट्रोवर्ट इन इट। उसके बाद कहने का मतलब ये कि वो बकरा, मिथिला बकरा वापस कर देती है, बाहुबली को वापस कर देती है, और विजय राज इन रिटर्न ऑफ बाहुबली वो उसको गाड़ी वापस दे देता है। तो ये है, ये कुछ था, क्या है, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं, धूम धड़ाका नहीं है, कुछ एक्शन फाइट नहीं है, जबकि किसी भी सीन में विजय राज और अभय देओल कोई हाथापाई नहीं होती। तो ये छोटा सा ट्विस्ट था इस प्लॉट का। तो इसको सब्सक्राइब कर लो, और क्योंकि मैं अगली जो मेरा जो वीडियो आएगी वो आएगी एक मर्डर मिस्ट्री के लिए, जो नेटफ्लिक्स में ही आया है मर्डर मिस्ट्री, तो इसको जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।